गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग क्लास फोर में देखेंगे चैप्टर 11 मनी है आपका, जो पिछले क्लास में देखा था। मनी के बारे में मैंने बताया था आपको कि मनी जो है एक्सचेंज करने का सामान को, क्योंकि सामान बाजार से खरीदने जाते हैं तो उसके मनी की जरूरत पड़ती है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि मनी जो है आपका किस तरह से हमारे जाने में किस लिए जरूरी है, किस तरह जरूरी है, बहुत ही जरूरी है मनी हमारे डेली लाइफ के लिए। क्योंकि कोई भी सामान मिक्स हो रहा है, बिल्कुल की चीजें जो है हम मनी से खरीदते हैं। मनी में आपको हमने बताया था करेंसी के बारे में, जो किसी कंट्री का मुद्रा होता है करेंसी, और कैसे हम उसको चेंज करते हैं, मनी को रुपया और पैसा कैसे लिखते हैं, सारे बना था और बना के हम दूसर इसमें कन्वर्ट करने का, रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो उसके लिए कुछ ठीक है देखिए। सबसे पहले जो है बच्चों, जैसे कि जीरो
नहीं हो जाएगा आपका पैसा हो गया ठीक है बच्चों वैसे ये तो कल बात लेकिन पैसा हो गया पैसा को मुद्रा में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं ठीक है जैसे कि आपको कन्वर्ट इनटू रुपए ठीक है बच्चों कन्वर्ट इनटू रुपए में जैसे क्वेश्चन आपका है 260 263 कौन पैसा ठीक है बच्चों पैसा को शॉर्ट में पी लिखते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा रुपया को पैसा में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं मीटर से ये क्या है ये पैसा है सर ये क्या है पैसा पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या लेंगे 2634 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है बच्चों $100 ठीक है इसे आप डिवाइड करते हैं पैसे को कौन से चीज डिवाइड करते हैं और डिसिमल में गुणा किया होता है डिसिमल पर चुके होंगे डिसिमल का डिवाइड आप कर सकते हैं ना इसने आपको ले दिया गया है जिस से बुक में क्या क्या है आप देख सकते हैं दो तीन है बल्कि दो अंक बीच में बैठा है इधर साइड से आई साइड से बनाते हैं इसको तो कितना हो जाएगा रुपीज आपका
कोशिश तो यही होता है, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ठीक है? तो आप बनाएंगे इसको, आगे भी क्वेश्चन इससे ये है बच्चों, और इससे हम आप शाम को जो है शेयर करके भेज देते हैं, जरूर उसको भी मिला लो, बनाएंगे इसको ये जरूर आप बनाएगा एक्सरसाइज सकते हैं